जैसलमेर से 300 किलोमीटर दूर जोधपुर जाकर स्वास्थ्य का इलाज करवाने के लिए कठिनाइयों से सामना कर रहे सरकारी और पेंशनर परिवारों को बड़ी राहत मिली। जैसलमेर जिले में सरकारी व निजी तंत्र के तालमेल से मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होती नजर आ रही। जैसलमेर में प्रिया हॉस्पिटल के RGHS योजना में रजिस्टर्ड होने के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर प्रिया हॉस्पिटल ने जिले के पेंशनर का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस दौरान ex MLA रूपाराम धंधे भी मौजूद रहे। जैसलमेर के लोगों के लिए RGHS की ये MLA में प्रिया हॉस्पिटल होना किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले 2.5-3 साल से जैसलमेर के लोग, जब से RGHS योजना ऑनलाइन स्कीम के रूप में शुरू हुई है, जैसलमेर के लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी और छोटी छोटी जांचों के लिए भी, छोटे छोटे इलाज के लिए भी, दवाओं के लिए भी उन्हें जोधपुर, अहमदाबाद और जयपुर के लिए भटकना पड़ता था। और हमारी बहुत प्रयास भी थे, लेकिन जैसलमेर के किसी भी अस्पताल ने, निजी अस्पताल ने इसमें आगे हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन प्रिया हॉस्पिटल ने, मयंक जी ने जो एक बीड़ा उठाया है, वो एक्चुअल में जैसलमेर के लोगों की सेवा के लिए बहुत बड़ा भागीरथी कदम है। जिस तरीके से गंगा को जमीन पर लाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की और लोगों को अपना मोक्ष प्रदान कराया, जैसलमेर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मयंक जी का बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास है। और जैसलमेर के पेंशनर्स जो उम्र के उस दहलीज पर खड़े हैं, जिन्हें दवा की और दुआ की सख्त जरूरत है, इन्हें निश्चित रूप से दुआ देंगे और इनके कार्य में और वृद्धि होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। RGHS के एम्पैनलमेंट के बाद पेंशन समाज के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे लोगों में ये जागरूकता है कि अब जैसलमेर में भी जो है प्रिया हॉस्पिटल जो है RGHS से उसका एम्पैनलमेंट हो गया है। इसलिए काफ़ी समय से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन समाज के लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल का एम्पैनलमेंट होना चाहिए, तो राज्य सरकार द्वारा अब उसका एम्पैनलमेंट किया गया है और उसी की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन। ये संभव के लिए तो यहाँ से हमें जब एप्लीकेशन लगाई तो उसके लिए हमें काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो RGHS की जो गाइडलाइन है वो बहुत डिफिकल्ट है और उसको पूरा करने के लिए बहुत समय लग रहा था। राज्य सरकार ने कुछ थोड़ा सा उसमें डेविएशन करके हमें स्पेशल केस में जो है अप्रूवल दी है। कर्मचारियों को और उनके जो भी परिवार है या जो भी उनके साथ लाभार्थी जो रह रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो पहले उनको यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता था इलाज करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए भी जोधपुर या जयपुर जाना पड़ता था। अब वो सारी सुविधा हम यहाँ पर प्रिया हॉस्पिटल में देंगे।